परीक्षा में पास। जिंदगी के कई पहलू में परीक्षा होती है और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के दो चार पांच साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त। ये शांति का अनुभव करा देते। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सब आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही दो कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा, तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो, तो ये दो कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना। मिलेगा जरूर भोगना, पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की आराधना करकर, हम भगवान शंकर की स्तुति करकर, हम भगवान शंकर की अर्चना करकर उसका फल प्राप्त कर सकें। जैसे तीन जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में, पहला तीर्थ का जल, कौन सा जल है, तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य